प्रधानमंत्री इस देश के नेता हैं और उन्होंने जो अपने मुंह से क्या बोलते हैं मोती वो जो आए वो मैंने मैं यहाँ पर उनकी अमृतवाणी यहाँ पर मैंने रखी। अगर आपको ये सच नहीं लगता तो थोड़ा मैं भेज दूंगा, फिर समाधान से आप पढ़िए, मेरे को भी फिर उसके बाद पूरा पढ़ूंगा। सर अक्सर सच बोलने वाले अक्सर बहुत ही कम बोलते हैं, सच बोलने वाले अक्सर बहुत ही कम बोलते हैं, झूठ बोलने वाले लेकिन निरंतर हरदम बोलते हैं। झूठ बोलने वाले फिर आप देखो साहब मेरा क्या है, आप रोक रहे हैं, मेरा फ्लो टूट रहा है, वो लोग होना बोल के डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप भी मेरे को साथ नहीं दे रहे, मैं क्या करूं। सर सच बोलने वाले अक्सर बहुत ही कम बोलते हैं, झूठ बोलने वाले लेकिन निरंतर हरदम बोलते हैं। एक सच के बाद और सच की जरूरत नहीं होती, एक सच के बाद और सच की जरूरत नहीं होती, एक झूठ के बाद सैकड़ों झूठ आदतन बोलते हैं। तो ये मोदी साहब हमारे प्रधानमंत्री जी उनकी वाणी है, उस वाणी को मैंने यहाँ दोहराया। अगर आपको दुख हुआ या उनको दुख हुआ तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो ये ऐसे मैंने सच बात रखी, इसीलिए सच को डिफेंड करने के लिए और कुछ नहीं होता, सच है। और झूठ को आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे दुख होगा बोलना पड़ता। सभापति जी बहुत से ऐसे बयान चुनाव में आए, राष्ट्रपति जी ने ऐसी बातों पर चिंता प्रकट नहीं की। चुनाव आयोग ने 16 मार्च 2024 को चुनाव की घोषणा करते हुए कहा था, देयर शैल बी नो अपील टू कैस्ट आर कम्युनल फीलिंग्स फॉर सिक्योरिंग वोट्स। ये सब मैं पढ़ा कैसा है वो, क्या सेक्युलर वर्ड्स है, क्या है, क्या कास्ट बेसिस, रिलीजियस बेसिस और भाषा बेस कैसे पे है, आप देख लीजिए। मैं आपके सामने ये रखा हूं और देश की जनता भी ये बात सुन रही होगी। सर पीएम ने 421 बार मंदिर मस्जिद मुस्लिम और बाकी धर्मों की बात की, समाज बांटने की जरा समाज बांटने की 224 बार मुस्लिम पाकिस्तान माइनॉरिटी जैसी बातें की, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को धर्म विशेष से जोड़ दिया, हमारा मैनिफेस्टो धर्म विशेष से जोड़ दिया। 75 सालों में विभिन्न दलों से जुड़े प्रधानमंत्रियों ने चुनाव प्रचार किया, पर ऐसा कभी देखा नहीं 77 दिनों के चुनाव में कांग्रेस ने चुनाव आयोग को 117 शिकायतें दी, जिसमें 14 शिकायतें प्रधानमंत्री जी के खिलाफ थी, कोई कार्रवाई इसके ऊपर नहीं हुई। और ये मैंने गिनकर बोल रहा हूँ और ये सत्य है, आपको मालूम। और चुनाव आयोग तो संवैधानिक संस्था है, उसकी निष्पक्षता से जनता का भरोसा कायम रहेगा, लेकिन ये चीज़ें जो हुई है, जो कहा है, जो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा, हमने उसके लिए जो अपना कंप्लेंट किया, कोई उसके ऊपर आज तक एक्शन नहीं। सर चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दिए, ठीक चुनाव के पहले हमें करोड़ों के इनकम टैक्स के नोटिसेस हमारे पास आए। आप लेवल प्लेइंग ग्राउंड चुनाव बोलते हैं, और जब चुनाव आता है तो अपोजिशन पार्टी के अकाउंट्स बंद कर देते हैं। ये चुनाव है, ये डेमोक्रेसी है, ये सत्य है। आपने हर तरीके से लोगों को तंग करने की, हराश करने की कोशिश की, लेकिन लोग डरे नहीं। तुमको करारा जवाब देकर आज
शर्मिंदा किया है। लेकिन और एक बात मैं बोलता हूं सर, जहां हमारे खाते फ्रीज हुए तो वहीं सत्ताधारी दल के चंदा दो धंधा लो, चंदा दो बॉन्ड इलेक्ट्रिक बॉन्ड दो ले और कॉन्ट्रैक्ट बिल सभी वो क्या है बोलते, उस वक्त वो गिन गिन के बुला बुला के डरा डरा के उनको अपने इलेक्ट्रल बॉन्ड भर्ती कर ली। ये योजना इलीगल है, इलीगल तरीके से हजारों करोड़ रुपए कमाए अपने पार्टी के लिए और ये सब कुछ उन्होंने किया। और दूसरे तरफ डेमोक्रेसी की बात करते, संविधान की बात करते, लोगों के हित की बात करते, ये कहाँ तक सच है कहाँ तक सही है आप निर्णय ले सकते हैं। अब तो कम से कम सर आप ये इलेक्शन होने के बाद थोड़ा सा बदलाव मैं आपसे चाहता हूँ। क्यों चाहता हूँ कि ये जो घटनाएं आपने देखी तीन साल साढ़े तीन साल तक, इसके बाद तो कम से कम सच्चाई के साथ आप जरूर देंगे ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। सच्चाई के साथ आप जरूर देंगे ऐसा मैं चाहता हूँ सर। ईडी आईटी सीबीआई जैसे संस्थाओं का भी दुरुपयोग कंपनियों से पैसे वसूल में किया गया। अब सर इन संस्थाओं के केवल केवल विपक्षी नेताओं और सच लिखने बोलने वालों को टारगेट करा, लीडर ऑफ द हाउस, ये संविधान का अपमान नहीं और क्या है? खड़गे जी लीडर ऑफ द हाउस, नो नो लीडर ऑफ द हाउस, इफ यू देखो साहब मैं अब बात कर रहा हूँ, ये क्या है अभी मैं आई नेवर यील्डेड। खड़गे जी और डिबे देखिए जनता द्वारा प्लीज चुनी गई सरकारें गिराने खड़गे जी और विधायकों को खरीदने तोड़ने का काम किया, ये संविधान का अपमान है। इंडिया गठबंधन माई सजेशन इज फॉर योर कंसिडरेशन my suggestion for your consideration, the house is hearing you. If leader of the house wants to make an intervention, practice is normally it is allowed. I leave it to your discretion. For example, if there will be a debate from that side and you will rise, no, if you will say, I have been giving you the Mr. Shakti Singh Gohil. Sir, my... You are insulting your LOP to an extreme degree, painful degree. Sir. Shakti Singh, mera ek to, I will name you next time if you like. I will name you. दो चार दिन उनके I don't want to do it. जो भी ये थे डॉक्यूमेंट्स थे सभी थे मैं ला के यहाँ पर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। काइंडली अलाउ मी, नहीं तो मेरा फ्लो टूट जाएगा और वो चिल्लाते रहेंगे, आप उनको परमिशन देंगे? एक बात कहना चाहते हैं कहने दीजिए, लीडर ऑफ द हाउस कहने दीजिए। ये क्या है सर, हम जब इंटरफियर करते हैं आई विश तो करने नहीं देते। सर आई विश आई कुड बी प्रूव्ड रॉन्ग बट अबाउट माई ईयर्स हर्ड वॉज दैट अगले साढ़े तीन साल, इट वॉज एन एक्सपर्शन ऑन द चेयर दैट अगले तीन साल आप सच्चाई का साथ देंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस एलिगेशन, दिस कैनॉट बी टेकन लाइटली। इफ द वर्ड इफ द सेंटेंस स्पोकन बाय द LOP इज दिस दैट अगले साढ़े तीन साल आप सच्चाई का साथ देंगे, दिस ऑटोमेटिकली मीन्स दैट देर इज एन एक्सपर्शन दैट फॉर द लास्ट 1.5 years यू हैव बीन नॉट गिविंग ड्यू टू द राइटनेस। नंबर 2, इसलिए चेयरमैन साहब आई रिस्पेक्ट LOP, आई रिस्पेक्ट द ऑपोजिशन, I respect the LOP, I respect the opposition. But at the same time, please keep quiet. I've been given the time by the chairman. I think you are a new member.
Vikas Bhattacharya ji, I have given him the floor. Sit down. Sir, sir. Sit down. Sir, sir. No, sir. No, please sit down. Sit down. Hello, leader of the house, please continue. Sir, I respect the leader of opposition. I respect the opposition. But I would like to put on record that proving your point should not go beyond the norms of the house, and raising aspersion on the chairman cannot be agreed upon. ठीक है सर, मैं सर किसी का अपमान करने के लिए इस सदन में नहीं आया। अगर ये उचकाने की बात करते हैं तो मैं उसको मानूंगा। खड़गे जी, अगर कोई अगर ऐसी बात आई है, एक सेकंड, विद अ हैवी हार्ट, नो, विद अ हैवी हार्ट एंड इन डीप पेन आई हैव बीन सफरिंग एक्यूजेशंस ऑफ सीवियरिटी wholly unfounded. A member of this house, Sri Jairam Ramesh, called me a cheerleader. Can you imagine, pending? When Khadgeji, honorable members, mark my words, when Khadgeji said so, I said, from me? I was aghast, but I didn't want to break his flow. Sir, I'm taking cognizance of it for a very simple reason. That I find on several occasions we have created, I would say, shameful history. If I invite leader of the opposition to my chamber, sir, you declined. If I write to you, you did not spare time for 4 months. Okay. But continue with your address, sir. I have taken cognizance of it. What is it? Continue. Okay. Agar se aapko hurt hua ya kuch meri galti ho gayi. Honorable members, no, I regret for honorable members, we give quietus to it. The communication from the leader of opposition has touched my heart. We give quietus to it forever. We will not discuss it. Please, go ahead, sir. It's sir, a good gesture, a gesture from a leader. क्या नड्डा साहब कब कब आया आपको ध्यान में? तो सर, जनता द्वारा चुनी गई सरकारें गिराने और विधायकों को खरीदने तोड़ने का काम किया, ये संविधान का अपमान नहीं है तो क्या? आपने कितने सरकारें तोड़ी जहां हमारी मेजोरिटी थी? कर्नाटक तोड़ा, महाराष्ट्र तोड़ा, गोवा तोड़ा, मणिपुर तोड़ा, हर जगह तोड़फोड़ की सरकार, और बाद में यहां तक सर इंडिया गठबंधन को दो मुख्यमंत्रियों को आप में जेल में डाला। हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट ने बेल दी और कहा कि प्राइमा फेशिया सबूतों को देखते हुए हेमंत सोरेन की कथित अपराधों के लिए दोषी नहीं है, और ये उनको कहा। और अगर कोई छुटके आता है, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर छूट गया, फिर उसको दूसरे केस में फंसाए, क्योंकि कोई अगर आपके बात को नहीं मानता और कोई अरे तरीके हैं कि आपको उनको एक्शन लेने के तरीके आपके पास बहुत रहते हैं, सताने के लिए या आउट ऑफ जलस, अरे ये पार्टी आगे आएगी, दूसरी पार्टी आएगी, हम तो कमजोर हो रहे दिन पे दिन, डालो इसको अंदर, हेमंत को डालो, फलानी को। ये काम जो कर रहे हैं ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, और जनता कभी इसको माफ नहीं करेगी। सर, दूसरी बात, 10 साल के गठबंधन सरकार को गाली देते थे, मोदी साहब बोलते थे खिचड़ी सरकार है, और ये कहते थे कि मिलीजुली सरकारों के कारण दुनिया में भारत की छवि खराब हुई, देश ने 30 साल गंवा दिए। ये कहते थे मिलीजुली सरकार की जरूरत नहीं है,
अल्पमत में लाकर देश की जनता ने उनको गठबंधन की सरकार बनाने पर मजबूर किया। क्यों ऐसी बातें करते हो, घमंडी बातें क्यों करते हो? अरे आज तो तुम एनडीए की सरकार अब बोल रहे, नहीं तो बीजेपी भी नहीं बोलते थे, ये मोदी की सरकार, ये मोदी चलाएगा, मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। हा? अरे अब एनडीए सी सर, यहां तक भी उन्होंने कहा पीएम ने पूरा चुनाव इंडिया गठबंधन को गाली देते हुए लड़ा, सही नाम लेने में भी नफरत दिखाई। अब आपकी गठबंधन की सरकार बनी है तो बताइए आपको हम क्या बोलना चाहिए? सर प्रधानमंत्री जी ने ढेरों चुनावी सभाओं में कहा कि पिछले 10 साल तो बस ट्रेलर था, अभी असली पिक्चर बाकी है। अभी प्रधानमंत्री जी की पिक्चर कैसी होने वाली है इसका पिछले 1 महीने से अंदाजा लगा है। नीट पेज पेपर लीक, यूजीसी नीट पेपर लीक, नीट अंडर ग्रेजुएशन रद्द, सीएसआईआर नेट रद्द, भीषण ट्रेन दुर्घटना, जम्मू कश्मीर में 3 बड़े आतंकी हमले, राम मंदिर लीक, 3 दिन में 3 हवाई अड्डों की छत टूटी, बिहार में 15 दिन में 5 पुल टूटे, टोल टैक्स बढ़ा, रुपए में ऐतिहासिक गिरावट आई, और उसके ताजा मामलों में नीट यूजी और यूजीसी नेट में धांधली, पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, फिर उसके बाद कहीं पेपर भी रद्द हुए। इस वजह से 30 लाख बच्चों का भविष्य तबाह और तंग हो चुका है, उसके माँ बाप परेशान है, और ऐसा ही अगर होते रहा कोई बच्चा आगे पढ़ेगा भी नहीं। और देश में इस 7 सालों में कुल 70 बार पेपर लीक हुए हैं और 2 करोड़ नौजवानों का भविष्य चौपट हुआ है। ये पूरी व्यवस्था पर सवाल है, आज पेपर हुआ कल रद्द हो गया, तो कितने बार पढ़ना कितने बार लिखना कैसा? आप बताइए, इसको कुछ गवर्नमेंट के तरफ से कुछ नहीं आता। अब जब हम उठाते हैं सवाल तब ये कहते हैं कि ये विरोधी पार्टियों को सिर्फ हंगामा करना है, सत्ता वहाँ बैठे यहाँ ये कहते हैं। अरे भाई दुरुस्त करो, आपको कौन रोका है? आप तो हर चीज़ को क्लेम करते हो, लेकिन पेपर लीक का जो बच्चे के भविष्य से जुड़ा हुआ है वो नहीं कर सकते। 5 मई को पटना और गोधरा से पेपर लीक की खबरें आई, सरकार छुपाती रही, शिक्षा मंत्री ने पेपर लीक मानने से इनकार कर दिया, एनटीए को क्लीन चीट दी, पुलिस जांच में आरोपी पकड़े गए, फजीहत हुई तो सरकार ने कबूल किया। बिहार गुजरात यूपी हरियाणा समेत कई राज्यों से पेपर लीक के तार जुड़े हुए थे। हरियाणा में जिस स्कूल में नंबरों में गोलमाल हुआ है वो बीजेपी के एक नेता से जुड़ा है। यूपी में एनडीए के एक नेता का नाम आ रहा है जो कहीं पेपर लीक मामलों में फंसा हुआ है। कोटा में हजारों नीट के कोचिंग सेंटर है, ये किसी के प्रेशर में तो ये चर्चा नहीं हो रही है कि क्योंकि वहाँ बहुत से लोग प्रेशर डालने वाले हैं, कोटा में बहुत से सेंटर से बच्चे जो पढ़ते हैं और प्राइवेट वालों के हैं, और ये गड़बड़ी मालूम नहीं होना तो इसीलिए इसका चर्चा नहीं होने दे रहे, मुझे मालूम नहीं। ये इसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट लोग है, आप जरा जांच कीजिए साहब अपने ओर से। आप तो चर्चा कर रहे हैं सर,
आप चर्चा कर रहे हैं, बेखूबी चर्चा कर रहे हैं, पूरे तरीके से कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं चर्चा नहीं हो रही है। मतलब इससे ज्यादा चर्चा क्यों होगी? नहीं, कंट्राडिक्शन है। आप चर्चा यानी ऑथेंटिक जो बोलते ना आपने, ऑथेंटिक चर्चा आप करने नहीं दिए, तो इसीलिए आपकी जानकारी ऑथेंटिक नहीं है। सर, शिक्षा मंत्री ने 20 जून 2024 को मीडिया में कहा कानून नोटिफाई हो चुका है, जबकि नोटिफाई 21 जून को हुआ, उसके दो दिन बाद नियम बने। सिर्फ कवरअप का काम चल रहा है। पिछले अनेक सालों में ऐसे मामले सामने आए, सरकार कुछ कदम उठाती तो ये मामले रुकते।